दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए गाइस, आज रेलवे ग्रुप डी का कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके कई शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो वो होता है CaSO4.12H2O। अगला है शीशम व शहतूत कौन से वन में आते हैं, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है AC जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो AC मतलब अल्टरनेट करंट जो होता है, जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है पौधे सांस कब लेते हैं, तो पौधे जो सांस लेते हैं वो दिन में लेते हैं। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग किस में किया गया, तो गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो BK कृष्णन मेनन। अगला है शांति स्वरूप भटनागर 2021 का जो पुरस्कार है, अवार्ड है, वो किसको मिला है, तो वो मिला है अरुण कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट है 30 साल के भारत और कौन से देश के राजनीतिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया, तो ये हो जाएगा इजराइल। अगला है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है स्विट्जरलैंड। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल जो हुआ था भारत के किस स्टेट ने जीता है, तो ये जीता है केरल ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो ये की है राजा राम मोहन राय ने। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज आडवाणी ने किसको हराकर एशियन बिलियर्ड 2022 चैंपियनशिप जीती, तो ये हो जाएगा ध्रुव सितवाला। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो दक्षिणतम बंदरगाह की अगर बात करें तो वो है तूतीकोरिन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। 2019 से 2021 तक भारत में वन क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ, तो ये हो जाएगा 0.28%। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है टोकोफेरॉल। बाकी के भी देख लेते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का होता है फिलीक्विनोन। मैनग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो जीवन जीने का अधिकार। अगला है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, तो वो बनेगा अनंत पर। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम बताइए, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है 746 वाट के। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो ये होता है CaOCl2। सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो रंध्रों से। पंचायती राज किस आर्टिकल अनुच्छेद संशोधन में आता है, तो 73वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है,
तो आर्टिकल 51A। अगला है लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये की थी राजा राम मोहन राय। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो डावे राइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। भारत में किस गवर्नर जनरल का मकबरा है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। पोंगल त्यौहार में किस देवी अथवा देवता की पूजा होती है, तो ये हो जाएगा सूर्य देव की पूजा होती है। वन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 17 है वो किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। चेर्नोबिल जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1986। अगला है खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, तो ये करता है भारत। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, तो राजभाषा आयोग की स्थापना हुई 1955। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चाणक्य का दूसरा नाम बताइए, या तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ओके PURA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। कार्बन का अपर रूप कौन से हैं, हीरा है ग्रेफाइट। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। नॉर्मल बीपी कितना होता है, देखिए नॉर्मल बीपी होता है 120/80। 120 होता है हाई के लिए और लो के लिए होता है 80। न्यूटन का थर्ड नियम। अगला है राज्यसभा आयोग कब बना था, तो ये बना था 1955। ऑल इंडिया चैम्पियनशिप 2022 में रजत पदक किसे मिला, तो ये मिला था लक्ष्य सेन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है प्रत्येक दिशा के, देखिए प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला है भारत निर्माण कार्यक्रम ये कब चालू हुआ था, तो 16 दिसंबर 2005। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कैल्शियम CA। अवतल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, देखिए आभासी बस सीधा बनता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। वायु स्वास्थ्य सेवा किस राज्य में लॉन्च की गई, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। भारत का पहला बायोमास कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। इनमें से अजैविक घटक कौन सा है, तो मिट्टी जो है सॉइल अजैविक घटक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। पेटीएम का मैसेंजर ऐप क्या है, तो ये हो जाएगा इनबॉक्स। U20 वर्ल्ड कप लॉन्ग जंप में लंबी कूद में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता, तो शालिनी सिंह। अगला है चुनाव आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो ये हो जाएगा राजीव कुमार। कैग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु। आर्टिकल 148 किससे संबंधित है, तो कैग से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राजभाषा अधिनियम कब आया, तो 1963 में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।